खबर उज्जैन से, महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान और सम्मान समारोह आयोजन हुआ प्रारंभ, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा और माधव नगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहा महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम को लेकर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिला थाने में पूर्व महापौर मीना जोनवाल सहित कई महिला पहुंची और माधव नगर के कार्यक्रम में पार्षद बीनू कुशवा, फ्रीगंज क्षेत्र के पार्षद बुद्धि प्रकाश सोनी सहित कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पहुंचे और महिलाओं का मनोबल बढ़ाने को लेकर संबोधित किया गया। उज्जैन से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। मैडम, आज जन जागरूकता सम्मान अभियान प्रारंभ हो रहा है, इसमें हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? हमारे देश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी द्वारा नारियों के सम्मान में जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। यह अभियान 7 दिन तक चलेगा, जिसमें प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को जागृत करने का काम किया जाएगा, ताकि जो घटनाएं घटती हैं उस घटनाओं में एक कमी आ सके, रोक लगाया जा सके। उसके लिए आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि इस अभियान के माध्यम से निश्चित ही बहनों के जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें रुकावट आएगी, और जिस तरह से हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर हमारे भाइयों को भी जागरूक करेंगे कि अगर किसी बहन के साथ में अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, संदेहास्पद स्थिति लगती है, तो आप भी जागरूक होइए, और बहनों को भी जागरूक करेंगे कि किस तरह से वो अपने सम्मान की रक्षा स्वयं कर सके। और थाने के माध्यम से आज हमारी जो टीएई है रेखा वर्मा जी, वो भी उन्होंने भी बताया है अभी कि पूरी 7 दिन में अलग अलग विभिन्न स्थानों में, बस्तियों में, और ये सब प्रचार के माध्यम से जागरूक करने का काम होगा। निश्चित ही नारियों के सम्मान में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, मैं सभी में मातृशक्ति की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिला को लेकर क्या संदेश दें? मैं सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और सतर्कता ही सावधानी है। और कहीं भी कुछ भी अगर हमें थोड़ा ऐसा लगता है तो निश्चित ही अपनी आवाज़ उठाइए। विभिन्न NGO हमारे बीच में है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए सहयोग के लिए बैठा है, और महिलाएं भी एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि किसी भी बहन के साथ में कुछ होता भी है तो वो तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसके उचित सम्मान के लिए बात कर सके।